बेटा हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टर्नओवर रेशो, या जिसको हम एक्टिविटी और परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं। करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछली क्लास में जो फर्स्ट रेशो थी, टर्नओवर एक्टिविटी और परफॉर्मेंस रेशो, फर्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये हमने कैलकुलेट कर लिए थे, इसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो के बारे में, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ये फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, या आप ऐसा लिख सकते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स हमारे कब होते हैं, जब हम उधार विक्रय करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। तो इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशो में हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्रेडिट सेल कितनी हुई, क्योंकि क्रेडिट सेल का रिलेशन ही होता है डेटर से। तो देखो क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड आउट होती है, नेट क्रेडिट सेल जो टोटल सेल्स होती है, जो हमने सारा सामान बेचा उसमें से कैश सेल्स जो नगद बेचा है उसको हम माइनस कर देंगे और हमारे पास क्रेडिट सेल आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे को फाइंड आउट करनी पड़ती है क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल्स। इसके बाद जो एवरेज डेटर हैं वो निकलते हैं डेटर्स एट द बिगिनिंग, जो शुरू के जो डेटर हैं वो, उसमें हम ऐड करेंगे डेटर्स एट द एंड और इनको डिवाइड करेंगे टू से और हमारे पास एवरेज डेटर आ जाएंगे। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारे को एक ही डेटर दिए हैं, या तो बिगिनिंग के दिए हैं या एंड के दिए हैं, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, एवरेज डेटर्स। क्योंकि जब एक डेटर दिए हैं तो उसको हम एक से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएंगे एवरेज डेटर। अब यहाँ पर हमारे पास बिगिनिंग के हैं और एंड के हैं, दो डेटर हैं। तो जब भी हम किसी का एवरेज निकालते हैं तो जितने आइटम्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं उनको टू से क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर हम टू से डिवाइड कर, टू आइटम्स हैं तो टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। और आपको मैंने बताया कि जब हमारे पास या तो एंड के हैं या बिगिनिंग के, तो हम वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही एवरेज डेटर आ जाएंगे। अब कई बार आपको क्वेश्चन में जो हैं डेटर्स के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल्स भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग जो डेटर्स हैं ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स में ऐड होंगे, और क्लोजिंग जो डेटर हैं उसमें क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स ऐड होंगे। इनको हम फिर ऐड करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में तो हमारे पास आ जाते हैं वो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है। तो हम जो है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी लिख सकते हैं, ये हम तब लिखेंगे जब हमारे पास डेटर्स के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल्स भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो जब हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे अब एवरेज डेटर्स या एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स भी है, तो हम डेटर्स टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे से इसमें पूछ जाती है आगे कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो वो हम जो है अगर दिनों में निकालनी है तो डेज इन ए ईयर, बटा हम कर देंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो। अगर हमारे से मंथ में पूछा हुआ है तो मंथ इन ए ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं वो, अपॉन हम कर देंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेज में पूछा है तो 365 अपॉन हम डेटर टर्नओवर रेशो जो हमने निकाली है वो। अगर मंथ में पूछा जाएगा तो मंथ इन ईयर, जैसे 12, और डिवाइड करेंगे हम डेटर टर्नओवर रेशो से और हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता है। तो अगर आपको जैसे टू फर्म्स दी हुई हैं और उनका एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, तो एक फर्म का आ रहा है जैसे आपके पास 5 मंथ, दूसरी का आ रहा है 4 मंथ, तो बेस्ट कौन होगी, 4 मंथ वाली, क्योंकि ये जो अपने डेटर से 4 महीने के अंदर अंदर पैसा क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, तो इसके काम आता है ये कलेक्शन पीरियड। अब आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपको पूरे का पूरा ये कॉन्सेप्ट डेटर टर्नओवर रेशो का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो आपसे डेटर टर्नओवर रेशो पूछी है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछा हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या फिगर्स है। हमारे को दिया है सन्ड्री डेटर्स एज ऑन 1 जनवरी 2020,
1,50,000, सनी डेटर्स दिए हैं 31 दिसंबर 2020 2,25,000, बिल्स रिसीवेबल्स भी दिए हैं हमारे को 1 जनवरी 2020 में 50,000, बिल्स रिसीवेबल्स दिए हैं हमारे को एंड में 31 दिसंबर 2020 में 75,000, और हमारे को टोटल सेल्स दी है फॉर द ईयर 2020 17,50,000 दी है, और कैश सेल हमारे को दी हुई है इसी साल 2,50,000, और साथ में कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2020 को 10,000 के हमारे डाउटफुल डेब्ट्स भी हैं, तो ये हमारे को दिया हुआ है। तो आपको मैंने अभी बताया कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर हम एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे को ओपनिंग सन्डे डेटर्स भी दिए हैं और बिल्स रिसीवेबल्स भी दिए हैं, क्लोजिंग भी दिए हैं और ये भी दिए हैं, तो हम ओपनिंग के ओपनिंग और क्लोजिंग में क्लोजिंग इनको प्लस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो ये इसको हम इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे को चाहिए क्रेडिट सेल, तो हमारे को देखो टोटल सेल दी है 17,50,000 की, और उसमें से कहा है कि कैश सेल हुई है 2,50,000 की, तो जब हम टोटल में कैश को सेल्स को लेस करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट आ जाएगी। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हम फॉर्मूला लिखेंगे, और इसके बाद अब जो है हम निकाल लेते हैं नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल को फाइंड आउट करने का फार्मूला है टोटल सेल्स माइनस कैश सेल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे को जो वैल्यू है वो दी है टोटल सेल्स की 17,50,000 और कैश सेल की दी है 2,50,000। जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 15,00,000 की आ गई क्रेडिट सेल। तो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया डेटर टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल का। अब जो है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया कि ओपनिंग हम डेटर्स लेंगे, बिल्स रिसीवेबल लेंगे, और प्लस हम कर देंगे क्लोजिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। तो हमारे को क्वेश्चन में जो है दिए हुए हैं, तो हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास 1,50,000 जो है वो है ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 50,000 है, और प्लस हम कर देंगे 2,25,000 हमारे पास जो है क्लोजिंग डेटर है और 75,000 हमारे पास जो है बिल्स रिसीवेबल है क्लोजिंग। अब हम क्या करेंगे, जब हम 1,50,000 में 50 करेंगे जब, तो हमारे पास 2,00,000 रुपये आ गया, और 2,25,000 में 75,000 75,000 हम ऐड करेंगे तो 3,00,000 आ गया। तो जब हम अब ओपनिंग में क्लोजिंग को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5,00,000, 5,00,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2,50,000। अब हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स भी है और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो 15,00,000 डिवाइड बाय 2,50,000, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे 40 से 40 कट होगी, और 150 को जब हम करेंगे तो 6, तो 6 टाइम जो है ये हमारा आ गया आंसर। तो हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर ली। अब हमारे को पूछा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बताओ, ठीक। तो अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि किस में हमने निकाला, तो हम मंथ में निकाल लेते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जब हम मंथ में निकालेंगे तो मंथ इन ए ईयर, तो मंथ होते हैं 12, और डेटर टर्नओवर रेशियो हमने निकाली हुई है 6। जब हम 12 को 6 से करेंगे तो इसका जो है आ गया 2 मंथ्स, ये आ गया आंसर। तो कलेक्शन पीरियड, अब ये जो फर्म है ये 2 महीने के अंदर अंदर अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेती है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है ईजी था, ये हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड है, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको डेटर टर्नओवर रेशो पूछी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपके पास दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर्स 50,000 रुपीज के, और दिया है कैश सेल्स बीइंग 25% ऑन क्रेडिट सेल। तो आपको कैश सेल्स दी है कि कैश सेल है आपकी क्रेडिट सेल का 25%। अब आगे कहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स 30,000 रुपीज। तो इसमें कहा है कि जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग डेटर से 30,000 ज्यादा है, ये आपको कहा हुआ है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर दिए हैं, ओपनिंग नहीं दिए हैं, तो ओपनिंग जो डेटर है वो इस लाइन से हमारे जो है फाइंड आउट हो जाएंगे इससे, ठीक है। और आपको टोटल सेल्स दी है और वो आपके पास कितनी दी हुई है, यहाँ पर 1,75,000 रुपये आपको टोटल सेल दी हुई है। तो देखो अब हमारे को
जब हम फाइंड आउट करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो हमारे को क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो क्रेडिट सेल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि कैश सेल्स हैं 25% क्रेडिट सेल का, और यहाँ पर हमारे को दिया टोटल सेल, तो टोटल सेल में हमारे को निकालना पड़ेगा इस लाइन के अकॉर्डिंग कि कितनी कैश सेल हुई और कितनी हमारे पास क्रेडिट सेल हुई, ठीक है। और क्लोजिंग डेटर दिए हैं तो इस लाइन से हमारे पास निकलेंगे ओपनिंग डेटर्स, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखो हमारे हम निकाल लेते हैं डेटर्स के बारे में, तो क्लोजिंग डेटर ये हमारे को दिए हैं क्वेश्चन में 50,000 रुपीज़ के, तो हमने 50,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर ये लिखे जो हमारे को क्वेश्चन में है। अब हमारे को क्या कहिए लाइन, उस लाइन को हम लिखेंगे, लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, तो जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग डेटर से कितने जैसे ज़्यादा है, 30,000 के ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं ओपनिंग डेटर निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग डेटर हमारे पास दिए हैं 50,000, 30,000 ज़्यादा है, तो 30,000 को हम जब लेस करेंगे तो 20,000 हमारे पास आगे ओपनिंग डेटर। तो देखो अब हमने ओपनिंग डेटर जो है क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, ओपनिंग डेटर हमारे को दिए हैं 20,000 और ये हमने फाइंड आउट किया, और क्लोजिंग हमारे को दिए थे 50,000, क्योंकि आपको कहा है कि क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से कितने ज़्यादा है, 30, तो जब हम 50 में से 30 माइनस करेंगे तो हमने ओपनिंग डेटर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है एवरेज डेटर निकाल लेते हैं, तो एवरेज डेटर को निकालने का फार्मूला है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और ओपनिंग जो है वो हमारे को 20,000 हमने फाइंड आउट किया, क्लोजिंग हमारे को 50 दिए, तो 50 और 20 हो गया 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35,000, तो 35,000 जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिए डेटर टर्नओवर रेशियो का एक पार्ट जो एवरेज डेटर थे वो। अब हमारे को निकालना पड़ेगा क्रेडिट सेल्स कितनी हुई, तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं जो हमारे को दिया है कैश सेल्स बीइंग, तो कैश सेल्स दिया है बीइंग 25% ऑन क्रेडिट सेल, तो आपको कहा है कि जितनी क्रेडिट सेल है उसका 25% है हमारे पास कैश सेल, यह आपको दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्रेडिट सेल्स को, तो क्रेडिट सेल को हमने एज्यूम कर लिया 100 अपने हिसाब से, जैसे सपोज जो क्रेडिट सेल है वो हमने 100 की, तो कैश सेल कितनी हो जाएगी, तो कैश सेल हो जाएगी 100 का 25%, तो हम निकाल लेते हैं कैश सेल, तो कैश सेल हो गया 100 का 25%, तो जब हम 100 का 25% निकालेंगे तो जब परसेंटेज को हटा देंगे तो ये ऑब्लिक में आ जाएगा हमारे पास 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, तो ये हो गया 25 रुपीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम आगे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, अब टोटल सेल हमारे पास कितनी हुई, तो टोटल सेल होती है जो हमने क्रेडिट की और कैश की, तो क्रेडिट हमने एज्यूम किया था 100 और कैश हमारे पास आ गया 25, तो 125 जो है ये हमारे पास आ गई टोटल सेल जो हमने एज्यूम किया इसके अकॉर्डिंग, तो कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 125 टोटल, और 100 हमने कितनी मानी थी, क्रेडिट सेल्स हमने मानी थी। अब आपके पास क्वेश्चन में देखो टोटल सेल्स गिवन है, तो टोटल सेल कितनी गिवन है, 1,75,000, तो ये आपके पास गिवन है, तो इसको हम जो है लिख लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अब हम इसके मुताबिक जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमने माना हुआ है, हमने क्रेडिट सेल्स माननी हुई है 100 और टोटल सेल्स हमने जो है इसके अकॉर्डिंग निकाल ली 125, तो जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम क्या लिखेंगे लास्ट में, तो हम लिखेंगे इफ टोटल सेल्स 125 देन क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई 100, अगर 1 है तो आपको पता है 100 अपॉन क्या आ जाएगा 125। अब आपको दिया है 1,75,000, अगर 1,75,000 तब कितनी होगी, तो 100 डिवाइड करेंगे हम 125 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1,75,000 से, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 फोर जा हो गया 100 एंड 25 फाइव जा हो गया 125, तो देखो अब अगले स्टेप में हमारे पास आ गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000, और जब हम जो है 1,75,000 को 5 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 35,000, ठीक है। तो अब हम जब 35,000 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1,40,000 रुपीज़,
तो 1,40,000 रुपीज़ हमने फाइंड आउट कर ली क्रेडिट सेल। तो अब हमारे पास जो है क्रेडिट सेल जो है वो आ गई 1,40,000 रुपये की, और हमने जो एवरेज डेट है वो निकाल लिया 1,35,000 के। तो अब हम जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मल लिखेंगे क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, तो 1,40,000 ठीक है जो हमने निकाल ली है क्रेडिट सेल, डिवाइड करेंगे हम इसको एवरेज डेटर से जो 35,000 से, तो हम क्या करेंगे 30 से 30 को कट करेंगे, 140 डिवाइड बाय 35। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 140 को 35 से, तो 4 अपॉन 1, तो इसको हम जो है 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया कंप्लीट। तो देखो इसमें हमने किस तरह से ओपनिंग डेटर निकाले और किस तरह से इसमें क्रेडिट सेल्स हमने जो है निकाली, ठीक है। अब ये हमारे हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट जो रेशियो है वो है हमारी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे तब जब हम उधार खरीदते हैं, तो डेटर्स से उल्टा चलेगा। तो डेटर्स में हमने लिया था नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पर हम ले लेंगे फॉर्मूले में नेट क्रेडिट परचेज अपॉन आ जाएगा एवरेज क्रेडिटर्स, और हम लिख सकते हैं नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेएबल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी, बस टोटल परचेज में से हम कैश परचेज को क्या कर देंगे माइनस, और एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकलेंगे, जो क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग इसमें हम एंड के ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर हमारे पास एक ही क्रेडिटर्स हैं, या तो ओपनिंग है या तो आपको क्लोजिंग दिए हुए हैं, तो वही हमारे जो है एवरेज क्रेडिटर्स हो जाएंगे। और अगर हमारे पास क्रेडिटर्स के साथ साथ बिल्स पेबल भी दिया हुआ है, तो हम जो है ओपनिंग के ओपनिंग में प्लस करेंगे, क्लोजिंग के क्लोजिंग में, फिर हम इनको प्लस करके हमारे पास जब डिवाइड 2 से करेंगे तो एवरेज अकाउंट्स पेएबल हमारे पास आ जाएंगे। और बस वैसे ही जब हमने पहले देखा था एवरेज कलेक्शन पीरियड कि कितने जल्दी हम कलेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर निकलेगा पेमेंट पीरियड कि हम कब जो है पेमेंट कर देते हैं जो हमने उधार खरीदा होता है उसका। तो अगर हमने डेज में निकालना है तो डेज इन ए ईयर अपॉन हम कर देंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर हमने मंथ में निकालने हैं तो मंथ इन ए ईयर अपॉन हम कर देंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और पेमेंट पीरियड निकल जाएगी, तो जैसे दो फर्म दिए हैं, एक का जो पेमेंट पीरियड है वो हो है 3 मंथ और एक का है 4 मंथ, तो बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट रहेगा 4 मंथ वाला, ठीक है। तो यहाँ क्यों रहेगा, क्योंकि हम जो है उनका जो पैसा है वो 4 महीने तक यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और जो दूसरी फर्म वो 3 महीने तक यूज़ कर रही है, तो इसमें बेस्ट कौन होगी, जो आपकी 4 मंथ वाली। और आपको मैंने बताया था कि जब हमने कलेक्शन पीरियड निकालना है तो कलेक्शन पीरियड में एक है 3 और 1 है 4, तो बेस्ट कौन होगी, 3 महीने वाली, क्योंकि वो जल्दी कलेक्शन कर रही है। तो कलेक्शन में जो बड़ा जल्दी है वो बेस्ट मानी जाती है फर्म, जो जल्दी कलेक्शन कर ली। तो और पेमेंट में जो फर्म सबसे लास्ट में पेमेंट करती है वो अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से भी आपको MCQ जो है पूछा जा सकता है। अब हम जो है देखते हैं क्वेश्चन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड इन मंथ्स। तो आपसे पेमेंट पीरियड पूछा हुआ है मंथ में, तो हम इसको करते हैं अब सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर्स हमारे को लिखा है क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर, वो दिए हमारे पास 4,80,000 रुपीज़ के, और क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 48,000 के, और बिल्स पेएबल आपको दिए है 32,000 रुपीज़ के। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज दे दी है फाइंड आउट करके 4,80,000 की, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, और जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिए हैं तो एक ही दिए हैं ये, ठीक है। तो इसमें हमारे को एक ही दिए हैं, तो ये नहीं लिखा है कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग, ठीक है। तो हमारे को एक ही दिए हैं, तो हम इन्हीं को ही क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और हमारे को एवरेज को निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। एवरेज हम तब निकालेंगे जब हमारे को ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिए हुए होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेज जो बताया अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, और नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज अकाउंट्स पेएबल। तो एवरेज अकाउंट्स पेएबल कब होते हैं, जब हम ओपनिंग क्रेडिटर्स में ओपनिंग बिल्स पेएबल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्रेडिट परचेज, क्योंकि ये दिया हुआ है 4,80,000। अब हम जो हैं निकाल लेते हैं एवरेज अकाउंट्स पेएबल, तो क्रेडिटर्स में हम बिल्स पेएबल को प्लस करेंगे, तो 48,000 में 32,000 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 80,000।
अब यही हमारे एवरेज हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको डिवाइड कितने से करेंगे, एक से, तो एक से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक नेट क्रेडिट परचेज भी है और एवरेज अकाउंट्स पेबल भी है। तो जब हम 4,80,000 को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो देखो 40 से 40 कट होगी और 8 6 जा 48, तो जो 6 है 6 टाइम्स ये हमारा हो गया आंसर। तो ये आ गया हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब हमारे से पूछा है एवरेज पेमेंट पीरियड के हम जो है पेमेंट कब करते हैं, कितने महीनों में कर सकते हैं। तो हो जाएगा मंथ इन ए ईयर अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो मंथ होते हैं 12 और डिवाइड करेंगे हम 6 से और 2 मंथ जो है इसका आ गया आंसर। अगर आपसे एवरेज पेमेंट पीरियड डेज में पूछा होता तो यहाँ पर 12 की जगह आ जाना था 365, और फिर हमने 365 को 6 से डिवाइड करना था और हमारा आंसर आ जाना था डेज में, ठीक है। तो ये आपको जो है ये बताया मैंने। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पूछा हुआ है, आपको दिए हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स 45,000 रुपीज़ के दिए हैं और नेट परचेज आपको दी है 3,60,000 रुपीज़ की। इसके बाद जो है आपको लिखा है परचेज रिटर्न लिखा है 60,000 रुपीज़ के और कैश परचेज आपको लिखा है 90,000 रुपीज़ की और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स वो आपको दिए हैं 5,000 रुपीज़ के। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो रिजर्व लिखे हैं डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इनको हम लेस नहीं करेंगे जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे उनमें से, ठीक है। और अब हमारे से पूछा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे को नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको यहां पर दिया है नेट परचेज और लिखा है परचेज रिटर्न। तो नेट परचेज जब आपको लिखा होता है तो उसमें परचेज रिटर्न को लेस करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हम जो है 3,60,000 में 60,000 को लेस नहीं करेंगे, क्योंकि नेट का मतलब होता है कि हमने रिटर्न को क्या कर दिया है, माइनस। अगर यहाँ पर आपको नेट की जगह परचेज लिखा होता 3,60,000 और यहाँ लिखा होता परचेज रिटर्न 60,000, तो हमने फिर 3,60,000 में से 60,000 को लेस करना था और हमारे पास आनी थी नेट परचेज, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेट परचेज दे दी है। अब नेट परचेज है हमारे पास 3,60,000 और हमारे को कैश परचेज दिया है 90,000, ठीक है। तो अब हमारे को चाहिए क्रेडिट, तो जो नेट है हमारी वो है 3,60,000 और जब हम कैश परचेज को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्रेडिट परचेज, तो नेट परचेज माइनस कैश परचेज। तो नेट परचेज आपको मैंने बता दिया इसमें से रिटर्न पहले से लेस है, तो 3,60,000 माइनस 90,000, तो 2,70,000 ये हमारे पास आ गई नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब हम जो है देखते हैं आगे। तो आगे आपको देखो सिर्फ इसमें क्या लिखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ही दिए हैं। क्या दिए, कौन से दिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ओपनिंग दिए हैं, तो आपको मैंने बोला कि अगर एक ही आपको दिया हुआ है आइटम तो वही आपका क्या होगा, एवरेज, ठीक है। तो इसमें जो है सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का। तो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिट, तो 2,70,000 और डिवाइड हम किससे कर देंगे, 45,000 से। तो 30 से 30 कट हो गई, यहाँ आ गया 270 अपॉन 45। तो जब हम 270 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 टाइम जो है वो हमारा हो गया आंसर। ये हमारे पास आ गई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब ये हमारा जो है क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट ओपनिंग क्रेडिटर्स। इसमें आपसे पूछा है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट करो और आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स और क्रेडिट परचेज भी आपको कितनी दे दी है, 3 लाख रुपीज़ की और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 60,000 रुपीज़ के। तो इसको भी हम बड़े इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे को एवरेज क्रेडिटर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा
और उससे फिर हम जो है इजी तरीके से ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग हमारे पास जो है गिवन है। तो हम क्या करते हैं, अब वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको दिया है 5 टाइम्स, तो हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की जगह हम लिख देंगे 5, और नेट क्रेडिट परचेज आपको दिए हैं 3 लाख, तो 3 लाख हम उसकी जगह जो है लिख लेंगे। तो देखो ये हमारे पास आ गया 5 और 3 लाख, और अपॉन हम जो है एवरेज क्रेडिटर्स निकाल सकते हैं। जब इक्वल टू हो और तो हम जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज क्रेडिटर्स को, और जिसका बटा कुछ नहीं इसका बटा हम 1 ले लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 लाख को। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल टू 3 लाख। अब हम एवरेज क्रेडिटर्स को निकाल सकते हैं, तो एवरेज क्रेडिटर्स को निकाल सकते हैं, एवरेज क्रेडिटर्स सर कितना लगा है 5, तो 3 लाख को हम जो है डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 3 लाख को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपीज़, 6530 और 40, तो ये हमारे पास हो गए इसमें एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक, तो एवरेज क्रेडिटर्स हमने निकाल लिए 60,000 रुपीज़ के। अब हमारे को पता है कि एवरेज क्रेडिटर्स हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब हम जो हैं वैल्यू को पुट करेंगे, तो एवरेज क्रेडिटर्स हमने फाइंड आउट कर लिए 60,000 रुपीज़ के, और ओपनिंग को हम जैसे हैं वैसे रहने देंगे, क्लोजिंग हमारे को जो है इस क्वेश्चन में दिए थे 60,000 रुपीज़ के डिवाइड बाय 2। तो जब हमारे पास इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 60,000 से 2 को हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, और इक्वल टू जो है हमारा बिल्कुल सेम रहेगा ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस 60,000 रुपीज़। तो अब हम जो है ओपनिंग क्रेडिटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1,20,000 है, तो जब हम 60,000 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1,20,000 में से 60,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स इक्वल टू 60,000 रुपीज़। तो देखो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने आ गए, 60,000 रुपीज़। तो इस तरीके से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन कर लिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के। अब आगे जो है हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स। तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो हम जो है फिर ले लेंगे नेट सेल्स कितनी हुई और डिवाइड करेंगे हम नेट वर्किंग कैपिटल से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जब हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बताया था तब आपको डिटेल में बता दिया था। और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, तो नेट वर्किंग कैपिटल निकलती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट वर्किंग कैपिटल। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो आप बता सकते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट्स। जब हम सिर्फ करंट एसेट्स का ही टोटल करेंगे तो वो बन जाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाती है हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट्स क्या होती हैं, विच कन्वर्ट इन टू कैश विद इन 1 ईयर, जिनको हम 1 वर्ष के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं। और करंट लाइबिलिटीज होती हैं जिनकी पेमेंट हमारे को विद इन 1 ईयर देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस होल्ड डायरेक्ट वर्सेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करें तब भी आ जाता है, या सेल्स में से ग्रॉस लॉस को प्लस करें तब भी आ जाता है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो का। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बोला है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। तो आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, आपको दिया है करंट एसेट्स दे दिया है 4,70,000 रुपीज़ की, इसके साथ साथ आपको करंट लाइबिलिटीज दे दी है 1,20,000 रुपीज़ की, और सेल्स आपको दी है 60 लाख रुपीज़ की, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिए हैं 30% ऑन सेल। तो देखो वर्किंग कैपिटल हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज को क्या करेंगे माइनस। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तो हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा, और कैसे होगा कैलकुलेट, क्योंकि हमारे को देखो सेल्स दी है और ग्रॉस प्रॉफिट दिए हैं 30% है वो सेल के। ठीक है, तो हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे सेल का 30%,
और जितना हमारे पास निकलेगा उसको सेल्स में से लेस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसी तरीके से जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं सेल्स कितनी दी है, 60 लाख, तो हमने लिख ली। अब हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट लिखे हैं 30% ऑन सेल्स। तो जब हम 60 लाख का 30% निकालेंगे तो 30% का मतलब होता है 30/100, तो परसेंटेज को हटा दिया जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, तो 6 3 हो जाता है 18। तो 18 लाख वो हमारे हो गए ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने फाइंड आउट किए, ये आपको फाइंड आउट करने पड़ने थे। अब हम जो हैं क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 60 लाख माइनस 18 लाख, और ये 42 लाख जो है ये हमारे आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो है हम निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल भी, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 4,70,000 में से 1,20,000 को हम माइनस करेंगे, तो 3,50,000 ये हमारे पास आ गई वर्किंग कैपिटल। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 42 लाख डिवाइड बाय 33,50,000, तो यहाँ पर 4 0 से 4 0 कट हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया 420/5, तो जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60/5, और 5 12 16, तो ये हमारा जो है 12 टाइम जो है ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का भी। अब इसके बाद हमारे पास जो रेशियो बचती है वो बचती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना निकले तो नेट सेल्स भी हम लिख सकते हैं, और बटा हम कर देंगे नेट फिक्स्ड एसेट से। और नेट फिक्स्ड एसेट कैसे निकलती है, जो टोटल फिक्स्ड एसेट है उसमें हमसे हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे माइनस। इसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो है वो है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसको भी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल्स। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर हमारे को क्वेश्चन में ना दी हो तो हम फिर नेट सेल ले लेंगे और डिवाइड हम कर देंगे करंट एसेट से। ठीक है, और करंट एसेट्स आपको मैंने बताई थी क्या क्या इसमें आती है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स वगैरह, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। तो हम टोटल करेंगे करंट एसेट्स का और फिर हम डिवाइड जब करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करंट एसेट से, तो हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, तो अब हम सीधा ही देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको दिया है नेक्स्ट, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो आपको बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको देखो यहाँ दी है सेल, कैश दी है 12 लाख रुपीज़ की, और सेल आपको क्रेडिट उधार दी हुई है 8,50,000 रुपीज़ की, और आपको फिक्स्ड एसेट्स दिया है एट कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 20%। और इसके बाद आपको करंट एसेट्स दी है 2 लाख रुपीज़ की, और फिक्स्ड एसेट्स दी है 1 लाख रुपीज़ की, और सेल्स रिटर्न आपको दी है 50,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो को निकालने का, नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं नेट सेल कि हमारी इस साल जो है सेल कितनी हुई, नेट सेल कितनी है। तो इसमें हम सारी की सारी सेल ले लेंगे, चाहे वो नगद है चाहे वो उधार है। तो देखो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कैश सेल दी है और क्रेडिट सेल दी है, तो इनको हम प्लस कर देंगे। और जो हमने बेचा था लास्ट में, बेचा हुआ माल जो वापिस आ गया हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि इतना हमने नगद बेचा 12 लाख का, 8,50,000 का उधार बेचा, और ये जो बेचा था इसमें से बेचा हुआ वापिस आ गया हमारे पास 50,000 का। तो नेट जो हमारी सेल हुई ड्यूरिंग द ईयर, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो 12 लाख में 8,50,000 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 50,000, तो हमारे पास जो है ये आ गया 20 लाख। तो 20 लाख जो है ये हमने निकाल ली नेट सेल। अब हमारे को चाहिए नेट फिक्स्ड एसेट्स। फर्स्ट पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे को फिक्स्ड एसेट्स दिया है, कॉस्ट दी है 5 लाख की, और हमारे को बोला हुआ है कि 20% लगा हुआ है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो हम 5 लाख का 20% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, और 5 लाख में माइनस करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगी।
तो हम सबसे पहले जो है लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन जैसे कितना बनेगा हमारा, तो डेप्रिसिएशन हमारा बनेगा 5 लाख का 20%, तो 20 से 20 कट, और जब हम 5 को 2 से करेंगे 10, तो ये 1 लाख रुपीज़ क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो हमारे पास वैल्यू दी थी 5 लाख, 5 लाख में 1 लाख हम जो है माइनस करेंगे, तो 4 लाख रुपीज़ जो है ये हमारे पास आ गई नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो 20 लाख को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 50 से 50 कट, एंड 20 को 4 से करेंगे तो 5, तो 5 टाइम जो है ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने देखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करंट एसेट टर्नओवर रेशियो का। तो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट करंट एसेट्स रेशियो, तो आपको क्या दिया है, सेल्स दी है 3,20,000 रुपीज़ की, सेल्स रिटर्न दिए है 10,000 रुपीज़ का, ग्रॉस प्रॉफिट आपको इसमें दिए हैं 60,000 रुपीज़ के, स्टॉक आपको दिया है 40,000 रुपीज़ का, डेटर्स आपको दिए हैं 2 लाख रुपीज़ के, और कैश बैलेंस आपको दिया है 10,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो करंट एसेट टर्नओवर का, करंट एसेट्स रेशो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स भी दिए हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिए हैं। अगर हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिए होते तो हमने फिर नेट सेल्स ले लेना था, ठीक है। तो अब हम प्रेफर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो सबसे जो पहले जो है हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपको बताया इस क्वेश्चन के मुताबिक, सेल्स माइनस क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमने फॉर्मूला जो है लिख लिया। अब हमारे को जो सेल्स दी है वो दी है 3,20,000 रुपीज़ की, और सेल्स रिटर्न कितनी दी है 10,000 रुपीज़ की। तो अब हमारे पास देखो जो सेल्स आ गई नेट सेल्स वो आ गई कितनी, आ गई 320 में से जब 10 को हम माइनस करेंगे तो 3,10,000 की ये हमारे पास आ गई नेट सेल, ठीक है। अब हमारे को जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया हमारे पास 3,10,000, ये फॉर्मूला लिखा था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए हैं 60,000 रुपीज़ के। तो 3,10,000 में से जब हम 60,000 को माइनस करेंगे तो 2,50,000 ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कर दिया कैलकुलेट। अब हमारे को कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कौन कौन सी है, तो इस क्वेश्चन में देखो स्टॉक ये हमारी करंट एसेट्स है, डेटर्स ये हमारी करंट एसेट्स है, और कैश बैलेंस भी क्या है करंट एसेट्स। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे और हमारे पास आ जाएगी करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश बैलेंस। तो जब इनको ऐड करेंगे 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000, तो 2,50,000 ये हमारे पास आ गई करंट एसेट्स। तो हमारे पास अब करंट एसेट्स भी अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अवेलेबल है। अब हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा करंट एसेट्स, और वैल्यू को पुट करेंगे तो 2,50,000 ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और 2,50,000 ही हमारी जो है करंट एसेट्स है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1:1, तो 1:1 या 1 टाइम हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा करंट एसेट्स रेशियो। तो हमने जो है कंप्लीट कर ली परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ या जो टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।